क्लासेस ऑफ विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल. बेटा इन माय लास्ट वीडियो दैट इज वीडियो सेशन 37 व्हाट आई डिड आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 14.2 इन विच इन एक्सरसाइज 14.2 व्हाट यू डिड यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन विच 4 and 5 वॉज द होमवर्क एंड 6 वी हैव कंप्लीटेड. Now I'm going to discuss question number 7. The question number 7 is the value of pi up to 15 decimal places is given below. ये pi की value है जो 50 decimal places तक given है. Got it? You can look at from your NCERT book also. Got it? You have to make a frequency distribution of the digits from 0 to 9 after the decimal point. आपने 0 से 9 तक के डेसिमल पॉइंट्स के बाद आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यू हैव टू ड्रॉ एंड इन सेकेंड पार्ट व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट कि सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन सी डिजिट आई है. ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है. ओके, सो आई एम ड्रॉइंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम 0 to 9. तो डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Got it? और इसकी फ्रीक्वेंसी the tally marks and then frequency. Got it? One more thing beta. Make a frequency distribution of the digits from 0 to 9 after the decimal point. डेसिमल पॉइंट के बाद बताना है. तो डेसिमल पॉइंट से पहले नहीं काउंट करना, उसके बाद. हाउ मेनी टाइम्स जीरो विल कम, कितनी बार जीरो आएगा. देखो यहां से काउंट करो 1 and 2, 2 times. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2. 1 कितनी बार है, 1, 2, 2, 3, 4, 5. तो 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 5 आ गया. नाउ 2, हाउ मेनी टाइम्स 2? 1, 2, 3, 4, 5. 5 के बाद 2 नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5 पे कैंसिल आउट. नाउ 3, हाउ मेनी टाइम्स 3? देखो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट लेना है ना, तो ये वाला 3 काउंट नहीं करेंगे. आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है. नाउ 4, 1, 2, 3, 4, 4 times 4. तो 1, 2, 3, 4, 4 times 4. नाउ 5, 1, 2, 2, 3, 3, 4. सो 1, 2, 3, 4, यू हैव टू राइट 4. 6, 5 हो गया, 6 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 4 times. सो 1, 2, 3, 4, 4 times 6. 7 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4. 7 भी 4 times है, 1, 2, 3, 4, 4 times. And 8, how many times 8? 1, 2, 3, 4, 5, 5 times है. तो 1, 2, 3, 4, 5 पे कट करोगे, 5 लिखो, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नाउ ऐड कर दो इसको, 5, 6, 7, 7 or 5, 12, 12 or 8, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 36 or 5, 46 or 5, 41, 41 or 8, 49. ठीक है, तो 49 विल कम अप. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई आफ्टर द 50 डेसिमल प्लेसेस. गॉट इट? तो यहां पे आपने देखना है हाउ
व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे लीस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, सबसे कम. देखो जीरो आया तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू ऑफ डिजिट जीरो. सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी टू है वो किसकी है, डिजिट जीरो की. और सबसे हाईएस्ट और मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये देखो एट और एट, एट किसकी है, यहाँ पे थ्री और इधर नाइन. मोस्ट फ्रीक्वेंसी थ्री एंड नाइन ऑफ डिजिट, सॉरी मोस्ट फ्रीक्वेंसी इज एट, इज एट ऑफ डिजिट, ऑफ डिजिट थ्री एंड नाइन. मतलब थ्री की और नाइन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, एट एट है. और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, डिजिट जीरो की. सो आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर सेवन, गॉट इट. कम टू क्वेश्चन नंबर एट. 13 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच्ड टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक एंड द रिजल्ट्स वर फाउंड एज फॉलोस. बेटा दिस इज द रिजल्ट ऑफ 13 चिल्ड्रन कि उन्होंने इतने घंटे वॉच किया टीवी प्रोग्राम. ठीक है, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विद एज 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 to 10. तो आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन. सो क्लास इंटरवल 10 मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है इन्होंने 5 to 10, तो इसका मतलब 1, 2, 3 5 to 10 में तो आएंगे नहीं. तो आपको क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट करना है, 0 to 5. क्यों 5 देना है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है क्लास साइज आपको 5-5 का लेना है. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20. गॉट इट, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे 17 है तो 20 से छोटा ही होगा. आगे इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि इसके बाद नंबर नहीं थे, डिजिट्स नहीं थी. नाउ टेली मार्क्स 0 to 5 में देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं. 0 to 5 में आ रहा है 1, 2, 3. तो 1, 2, 3 इसके बाद 0 to 5 में 5 नहीं आएगा. 5 कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट वाले में. उसके बाद 6 कहाँ पे आएगा, 6 आएगा 5 to 10 में. 5 भी आएगा 5 to 10 में. 12 आएगा 10 to 15 में. 5 आएगा 5 to 10 में. 8 आएगा 5 to 10 में. 4 आएगा 0 to 5 में. 8 आएगा 5 to 10 में. तो ये कैंसिल हो गया. नाउ 10 आएगा 10 to 15 में. 3 0 to 5 में, तो ये क्रॉस. 4 इसी में ही आएगा. 12 10 to 15 में. 2 0 to 5 में. 8 5 to 10 में. 15 10 to 15 में नहीं आएगा, 15 to 20 में आएगा. 15 got it. सो 1 आएगा 0 to 5. 17 15 to 20 में. 6 आएगा 5 to 10 में. 3 0 to 5. 2 भी 0 to 5 में आना, तो कैंसिल आउट. 8 5 to 10. 5 5 to 10. 9 5 to 10 में आएगा. 6 5 to 10. 8 5 to 10. 7 5 to 10. 14 10 to 15 and 12 again in this. So now count it. This is 10. This is 13. This is 5 and this will 2. So after adding 10 and 13, 23 plus 5, 28 and 2, 30. तो आपको जो ये था 30 चिल्ड्रन थे ना, ये जो डेटा दिया था वो 30 चिल्ड्रन का था. आपका 30 आ गया. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज गेट्स ओवर. यू हैव टू मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो यू हैव डन फर्स्ट पार्ट. नाउ इन सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक. कितने ऐसे बच्चे हैं जो टेलीविजन देखते हैं 15 और मोर आवर्स, 15 और उससे ज्यादा घंटे. कितने बच्चे हैं 15 से ज्यादा,
मार्क्स में था, ठीक है, तो 15 और उससे ज्यादा ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 2 स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, 2 स्टूडेंट्स आर देयर। इतने स्टूडेंट्स हैं जो 15 घंटे या उससे ज्यादा टेलीविजन वॉच करते हैं, ऐसे 2 स्टूडेंट हैं। 0 से लेकर 5 घंटे तक 10 स्टूडेंट्स हैं। 5 to 10 आवर्स में 13 स्टूडेंट्स हैं। 10 to 15 आवर्स में 5 स्टूडेंट्स हैं। एंड 15 to 20 आवर्स में 2 स्टूडेंट्स हैं। तो 15 और उससे ज्यादा की आपकी आंसर था, तो आंसर विल बी 2 स्टूडेंट्स आर देयर हु वॉच द टेलीविजन 15 और मोर आवर्स। Got it? So I hope you understood this question. Now come to question number 9. Question number 9 is your homework. So this is as similar as question number 8. So now your exercise 14.2 gets completed. I hope you understood the entire exercise. Exercise 14.2, which is based on frequency distribution table. Got it? Exercise 14.2 gets over. So in today's session 38, I would also continue with the exercise 14.3, and the exercise 14.3 is based on the bar graph. ठीक है, bar graph पे based है. तो in exercise 14.3 basically you have to do the graphical representation of the data. Suppose if you have given some data like this, so how will you draw the graph of the given data? Got it? So there are 3 method. One is the bar graph, second is the histogram, and third is the frequency polygon. ठीक है, तो histogram and frequency polygon is omitted from your syllabus. So only you have to do bar graph. Bar graph का ही question है. So in short you can say that exercise 14.3 only 3 questions you have to do. Question number 1, 2, and 3. So one by one I would like to discuss each and every question of exercise 14.3, especially question number 1, 2, 3. Remaining question we will not do because this is omitted from your syllabus. So come to question number 1 of exercise 14.3. Question number 1 is, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 years found the following figures in percentage. बेटा आपको एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, ठीक है, जहाँ पे 15 टू 44 इयर्स की वुमेन के क्या क्या कॉजेस थे, उनकी बीमारी के और उनकी डेथ के, मतलब कैसे वो बीमार हुई और क्या उनकी डेथ के कारण थे. तो दिस इज द सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली, ठीक है, आपको ग्राफिकली बनाना है, तो थ्रू बार ग्राफ. अब आपने क्या करना है, दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन. इन शॉर्ट यू कैन से एक्स एक्स इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस इज योर वर्टिकल लाइन. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वहां पे आप क्या लिखोगे, क्या मेंशन करोगे, कॉजेस, क्या मेंशन करोगे, कॉजेस. एंड इन वर्टिकल लाइन फीमेल फर्टिलिटी रेट, आप यहां पे क्या लिखोगे, फीमेल फर्टिलिटी रेट. गॉट इट? ऑन वाई एक्सिस यू हैव टू मेंशन फीमेल फर्टिलिटी रेट. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सबसे लीस्ट क्या है, 4.1, एंड व्हाट इज द हाईएस्ट, 31.8. तो क्या मैं 4-4 का गैप ले लू, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and 32. Got it? इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, क्योंकि फीमेल फर्टिलिटी रेट के साथ आपका वो हो गया, मर्ज हो गया, दिखे लग गया आपको, ठीक है. मैं इसको दोबारा से लिखूँ, बेटा ध्यान से देखना, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 and 32, ठीक है. और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करना है, फीमेल फर्टिलिटी रेट. गॉट इट? फीमेल फर्टिलिटी रेट है. अच्छा देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8 है, तो रिप्रोडक्टिव. अच्छा, बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, जो बार ग्राफ होता है ना, सपोज ये है, तो बार ग्राफ ऐसे बनता है,
गैपिंग होती है बीच बीच में, ठीक है, तो उसी वे में हम बनाएंगे 31.8। तो मान लो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 31.8 आप ग्राफ में करोगे ना तो इजी हो जाएगा। 31.8 का मतलब 32 यहाँ पे, 31 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये नीचे लेके जाओ, ये ऐसे करा, ठीक है। दिस इज योर, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है, आप प्रॉपरली लिख लेना इसी ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट इज न्यूरो कंडीशन, न्यूरो कंडीशन इज 25.4। तो देखो 24 यहाँ पे है, 25.4 कहीं यही होगा, ठीक है। तो यहां से ऐसे लाइन्स ड्रॉ करनी है बेटा, आपकी लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, न्यूरो कंडीशन, न्यूरो कंडीशन, ठीक है। थर्ड इज इंजरीज, इंजरीज इज 12.4। तो 12 इज हियर, 12.4 तो हल्का सा ऊपर होगा भाई, तो यहाँ पे किया ये आपका आ गया इंजरीज, ठीक है, इंजरीज का आई डाल दिया आपने। थर्ड इज कार्डियोवास्कुलर कंडीशन इज 4.3, तो 4 ये रहा, 4.3 हल्का सा ऊपर होगा भाई, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है बेटा। जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे ना तो इक्वल गैप्स आएंगे, नीट एंड क्लीन बनेगा। सी सी आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, 4 इज हियर, 4.1 लिटिल बिट ऊपर, दिस इज 4.1 थोड़ा सा ऊपर होगा बस। दिस इज योर रेस्पिरेटरी कंडीशन R.C, ठीक है। एंड द लास्ट इज अदर इश्यूज, अदर इश्यूज आर 22। सो 20 इज हियर, 24 इज हियर, तो 22 कहीं बीच में होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा ही कैसा बन गया, तो इक्वल गैप्स में ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, अदर कॉजेस ओसी। सो दिस इज योर बार ग्राफ, दिस इज योर बार ग्राफ, गॉट इट। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, बार ग्राफ, इफ सम इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, गॉट इट। सो नाउ लुक एट वन बाय वन, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, आपने ग्राफ में बना दिया, ठीक है। आप जब अपने ग्राफ में बनाओगे ना तो वहां नीट एंड क्लीन बनेगा। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, कौन सी कंडीशन मेजर कॉज है, सबसे ज्यादा ऊंचा किसका ग्राफ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का। तो सेकेंड में क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड इज, थर्ड बेटा नो नीड टू डू द थर्ड पार्ट, नो नीड टू डू, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ इफ यू हैव गिवन द सम इन्फॉर्मेशन, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.3, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो, बेटा यू हैव गिवन द डाटा, हियर सम सेक्शंस आर देयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड अर्बन, एंड हियर द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यहाँ पे 940 है या 970 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यू हैव टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय अ बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ में शो करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिख दिया, ऑन एक्स एक्सिस यू कैन से ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन यू हैव टू ड्रॉ द सेक्शंस, एंड ऑन वर्टिकल मीन्स वाई एक्सिस यू हैव टू राइट डाउन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो देखो यहाँ 940, 970, 920 एंड सो ऑन था, तो आई हैव स्टार्टेड विद 100 एंड एंड अप टू 1000। तो अब मैं बार ग्राफ बनाऊंगी, 940 शेड्यूल कास्ट 940 है, तो 900 यहाँ है,
950 ऊपर का ही होगा तो 940 हल्का सा नीचे होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एससी, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म एससी, गॉट इट। नेक्स्ट इज शेड्यूल ट्राइब, दिस इज 970, तो 970 इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। आपको पता ना बेटा कि 900 से 1000 तक बीच में 10 लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये 910, 920, 930, 940, 950, 960 ऐसे होती हैं। तो जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना, हियर यू कैन इजिली फाइंड आउट, गॉट इट। सो नेक्स्ट इज एसटी शेड्यूल ट्राइब, नाउ द नेक्स्ट इज 920, 900 ये 920 हल्का से नीचे होगा। This is non-SC ST, got it? And the third is backward districts, 950. So 950 between 900 and 1000. तो ये बीच में नहीं होगा यहाँ पे, got it? So you have to write backward districts, BD, got it? और here 920, again 920, 920 इसके बराबर है नॉन एससी एसटी वालों के, ठीक है। तो ये सेम ही मैंने आ दिया यहां से। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। इफ यू हैव गिवन सम इन्फॉर्मेशन, दिस इज NBD, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। बेटा यू हैव टू राइट अ फुल फॉर्म, मेरे पास स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैं लिख रही हूँ। रूलर 930, 920 से थोड़ा सा ऊपर 930 होगा। हियर यू हैव टू राइट रूलर, कट इट, एंड द लास्ट इज 910। 910 मीन्स 900 है ये वाली लाइन, 900 है थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, सो दिस इज अर्बन। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ इफ यू हैव गिवन द इंफॉर्मेशन। सो इट्स क्वेश्चन नंबर 2 गेट्स ओवर। सो द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गॉट इट। The last question of exercise 14.3, question number 3. Given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly election. बेटा ये political parties given है A, B, C, D, E, F, got it? And these are the number of seats won by them. ये number of seats है जो इनके द्वारा जीती हुई है। You have to draw a bar graph to represent the polling results. आपको bar graph करना है। So already I have drawn the graph OX and YOY. OY represent your vertical line, that is Y axis, and OX is your horizontal line, that means your X axis. On the X axis you have to write the political party, and on the Y axis you have to write the seats won. Got it? So can I make the difference of 10 then? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. 80, got it beta? So one by one, political party A goes to won 75 seats. So 75 lies between 80 to 70. तो यहां कहीं आएगा बिटवीन, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहां, ए। नाउ बी इज 55, सो 50 लाइज बिटवीन 50 टू 60, तो इसके बीच में कहीं यहां पे होगा, दिस इज पार्टी बी। सी पार्टी इज 37, 30 और 40 से थोड़ा सा, 40 से नीचे 37 यही कहीं होगा।
30 सी एंड दी इज 29, 29 मतलब 30 से थोड़ा सा नीचे, ये दिस इज डी. व्हाट इज ई? ई इज 10, सो हियर इज 10 एंड एफ इज 37, तो 37 सेम एज सी. सो दिस इज योर एफ. Got it? So I hope you understood. This is the bar graph. Represent the bar graph. Represent this information. Got it? In second part, which political party won the maximum number of seats? किसने सबसे ज्यादा seats won की है? As it is clear from the graph. A party won the मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, और वो कितनी है? कितनी सीट्स है? 75 सीट्स हैं जो उसने सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी ए ने वॉन किया. गॉट इट? सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ. सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स गेट्स ओवर. इन चैप्टर नंबर 14 व्हाट यू डिड? You did exercise 14.2, which is entirely based on the frequency distribution table. Got it? And you have completed all the exercises. I mean to say exercise 14.2, all the questions you can say. And 14.3, you did bar graph. Recently you did bar graph. In bar graph, question number 1, 2, 3, only question number 1, 2, 3 of exercise 14.3. So after that your chapter 14 statistics gets over. I hope you understood the entire chapter, whatever is in your syllabus, the part. Okay, remaining part is omitted from your syllabus. So whatever your query, your doubts, you can ask me through portal. Okay, watch the video very carefully. If you have some doubt, so through comment box you can ask me your query and watch it video again and again and again. As you know that in the month of August, we will conduct your examination. Okay? So in your examination, 4 chapters are coming, which you have already done in the month of July. So 4 chapters are chapter number 8, 14, 15 and chapter number 1. So these 4 chapters are coming in the month of August. So August ke mid mein hi aapke exams ho jayenge. So start revising from today onwards. आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दें. बाद में मत बोलना कि आप लोगों को बताया नहीं गया था. ठीक है? So syllabus इतना vast नहीं है. 4 chapters सुन के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 4 chapters बहुत सारे हैं. 14 और 15 में बहुत सारी exercises आपकी omit हो चुकी हैं syllabus में से. ठीक है? तो portal के through मैं आपको upload कर दूंगी portal पे. So you can check from there. And please, I have request to each and every student, please watch the video once time, two times, three times, as many times as you can watch, so that I could solve your query. Take care guys, have a good day.